Hello guys, I welcome you all in this lecture series of class 9th mathematics. Today we are heading towards lecture number 4 of chapter number 2, that is polynomial. Okay, and today we are going to discuss very important topic of the polynomial. Okay, that is factorization of a polynomial. Okay, so we will see this topic through example. Okay, you will be more clear about the concept of factorization of polynomial. Okay, so let's begin. Here it is given whether x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and 2x plus 4. Basically इसमें यह कहा गया है कि x plus 2 जो है ये इसका फैक्टर है और इसका फैक्टर है कि नहीं, इन दोनों का फैक्टर है कि नहीं. सी, हम लोग सबसे पहले इसमें एक मेथड बताएंगे, एक ओरिजिनेट करेंगे खुद से कि देखिए, जब पिछले वीडियोस में हम लोग ने देखा था, जब हम लोग ने लॉन्ग डिवीजन किया था तो उसमें हम लोग ने ये देखा था कि अगर वो इसका फैक्टर होता है तो रिमाइंडर जीरो आता है. ठीक है, तो रिमाइंडर जीरो आता है मतलब एक्स को, एक्स प्लस टू को इक्वल टू जीरो कर देंगे. जो एक्स की वैल्यू आएगी, जैसे इसमें माइनस टू आई, इसी को एक्स की जगह पुट कर देंगे अगर ये पूरा इवेलुएट होके पी एक्स इक्वल टू जीरो आ जाता है. ठीक है, तो हमारा मतलब रिमाइंडर भी जीरो है, मतलब ये फैक्टर है इसका, ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है. तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, एक्स प्लस टू को इक्वल टू जीरो करना है, जो कि ये है. ठीक है, उसमें एक्स की वैल्यू माइनस टू आई, माइनस टू आने के बाद यही इसको हमने पी एक्स एज्यूम कर लिया पहले वाले पॉलिनोमियल को, तो एक्स की जगह माइनस टू रखा हमने. ठीक है, तो यहाँ पर x को पी एक्स इक्वल टू जीरो कर लिया, x की जगह माइनस टू रखा. अगर इसमें x में माइनस टू रखा फिर इवेल्युएट करें, अगर ये इक्वल टू जीरो आता है, मतलब एल एच एस आपका इक्वल टू आर एच एस आ जाता है, मतलब जीरो इक्वल टू जीरो, मतलब ये इसका फैक्टर है. ठीक है, तो जैसे कि माइनस टू रखा, माइनस टू का क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर, फाइव इंटू माइनस टू प्लस सिक्स, इसको आपने इवेलुएट किया, ये तो जीरो आ गया, तो ये मतलब इसका फैक्टर है. तो हम कह सकते हैं दिस इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स. ओके, तो यही हमारा फैक्टराइजेशन होता है. कि मतलब हमें फैक्टराइजेशन क्या मतलब होता है कि इस कोई भी पॉलिनोमियल हमें दिया जाएगा उसका हमें फैक्टर निकालना है, या तो हमें चेक करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है. ठीक है, वो फैक्टर आपको दिया जाएगा तब. तो आइए, दूसरा क्वेश्चन था हमें, इसमें क्या था, ये इसका चेक करना था, ये तो इसका फैक्टर है, अब इसको चेक करते हैं. ठीक है, तो इसको हम लोग ने एक्स प्लस टू के इक्वल टू जीरो किया, एक्स इक्वल टू माइनस टू आया था, वही सेम है. पी एक्स को जीरो किया तो टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो हो गया होगा. ठीक है, तो अब पी की एक्स पे हम लोग ने माइनस टू रखा. ठीक है, तो हमने सेटिस्फाई करवाया तो ये भी जीरो आ गया. ठीक है, तो फिर उसके बाद x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ 2x प्लस फोर. ठीक है, तो ये इसका फैक्टर हो गया, तो ये जीरो के बराबर हो गया, तो ये इसका फैक्टर है. ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. हम लोग ने इसको प्रूव कर दिया कि ये दोनों इसके फैक्टर हैं. ठीक है, तो अब हम लोग ये करते हैं कि फाइंड k. इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पॉलिनोमियल में एक अननोन होगा के और एक फैक्टर आपको दे दिया जाएगा. ठीक है, ये इसका फैक्टर है ये बता दिया जाएगा और के की वैल्यू निकालनी है. तो सेम है, पहले तो हम इसको इक्वल टू जीरो करते हैं. ठीक है, इक्वल टू जीरो किया. ठीक है, और उसमें एक्स माइनस वन जो फैक्टर था उसको इक्वल टू जीरो करके एक्स की वैल्यू वन ला दी. ठीक है, तो पी में वन रख देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे पहले. ठीक है, पी पे वन रख देंगे मतलब एक्स की वैल्यू की जगह हम लोग वन रख देंगे, तो उसको इवेल्युएट करेंगे तो के की वैल्यू हमें पता चल जाएगी. ठीक है, तो इससे हमारा ये के की वैल्यू आ जाती है. तो वन रखा हमने, फोर वन क्यूब थ्री इंटू वन स्क्वायर माइनस फोर वन प्लस के इक्वल टू जीरो, फोर प्लस थ्री माइनस फोर प्लस के इक्वल टू जीरो. ओके, तो के इक्वल टू माइनस थ्री, तो के की वैल्यू माइनस थ्री, यही हमारा आंसर है. ठीक है, वेरी सिंपल, कोई टेंशन की बात नहीं है. हमें कभी भी कोई फैक्टर दिया जाता है इसको इक्वल टू जीरो करके जो एक्स की वैल्यू आती है वो इसमें पुट कर दो एक्स में. ठीक है, अगर के होगा तो के निकल आएगा, नहीं होगा तो इक्वल टू जीरो आ जाएगा. तो मतलब ये वो अलग चीज होगी, फैक्टर पूछा जाएगा, इसमें के की वैल्यू पूछी जा रही है. ठीक है,
आइए फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज का एक और मतलब होता है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब हम ऐसे फैक्टर, हमने ये तो बता दिया कि x माइनस वन इसका फैक्टर है, पर ये निकाला कैसे x माइनस वन, तो ये आज हम लोग देखेंगे। ये हमें क्वेश्चन दिया है 6x² + 17x + 5, तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन के आपको हम स्टेप बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पहला टर्म, पहला कोफिशियंट और लास्ट कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करना है। 30 आया तो 30 का आप फैक्टर्स निकाल लीजिए, 253, 253 आपके 30 के फैक्टर्स हैं। तो बीच में जो नंबर है वो प्लस में है, तो मतलब हमें प्लस करके लाना होगा, मतलब ऐसा कुछ इवेल्युएट करना होगा इन तीनों से कि हमें 17 आ जाए, ठीक है। तो हमें ये प्लस करके लाना होगा, मतलब ऐड करके लाना होगा, हम लोग को ओरिजिनेट करना है 17, ठीक है। तो हमें ओरिजिनेट करना है 17, तो हमें इन फैक्टर को कैसे तैसे इवेल्युएट करके लाना होगा, ठीक है। यूज फैक्टर 253 बाय एडिंग, ठीक है। अब देख, 5 × 3 = 15 होता है, ठीक है, और इसमें दो ऐड कर दोगे 17 आ जाएगा। तो कैसे भी कर दो आप इसको इसको कर दो, इसको इसको, पर ऐसे नहीं आएगा। हम लोग ने एक चीज देखी, 5 × 3 = 15 होता है, तो 15 में दो ऐड कर देंगे, तो ऐड करके 2 + 2 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो वही फैक्टर्स को स्प्लिट कर दिया, देखिए यहाँ 17 को हमने स्प्लिट कर दिया 15x + 2x को, तो यही होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। अब यहाँ से हमने x और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 3x कॉमन लिया मैंने, तो 2x + 5 आया। यहाँ पर 2x + 5 एज इट इज है, यहाँ पर 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन ले लिया, तो 2x + 5। हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो ब्रैकेट में है ये दोनों सेम आने चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा 3x + 1 ये एक अलग फैक्टर, 2x + 5 दोनों में ये एक अलग फैक्टर, तो मतलब इसके फैक्टर्स आ गए। अगर आप इसको इक्वल टू जीरो करते हो 3x + 1 को, x की वैल्यू -1/3 आएगी। अगर आप इसको इसमें रखोगे तो इक्वल टू जीरो आएगा, ये वही चीज़ है, ठीक है। आई होप दैट यू वुड बी क्लियर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट अबाउट फैक्टराइजेशन, हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू ओरिजिनेट द फैक्टर ऑफ एनी ऑफ द पॉलिनोमियल और द एक्सप्रेशन। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर, फैक्टराइज दिस बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम है तो मतलब फैक्टर्स स्प्लिट करने हैं हमें, ठीक है। तो अब ये देखिए कि y² - 5y + 6 है, इसको भी स्प्लिट करना है। तो पहले वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 × 6 = 6 हो गया, ठीक है। 6 के फैक्टर निकालिए, 2, 3, 1 हो सकता है, कैसे भी करके इनको करके हमें 5 लाना है। तो ये 5 क्या है, माइनस में है, तो हमें माइनस करके लाना है, ठीक है। तो -6 + 1 ये तो नहीं हो सकता, -5 ये तो हो सकता है, -5 पर इससे हमारा निकलेगा नहीं, फैक्टर नहीं निकलेंगे। कैसे नहीं निकलेंगे, आइए देखते हैं, देखते हैं। अब y को अगर कॉमन लोगे, ठीक है, तो इसमें y -6 आएगा, ठीक है, और प्लस प्लस इसमें अगर 1 लोगे तो y +6 आएगा। तो हमने क्या कहा था, ये दोनों चीज बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, पर यहाँ नहीं है ऐसा, ठीक है, तभी ये चीज हमारी यहाँ पर वैलिड नहीं होती, ठीक है। तो हम और कोई मेथड देख लेते हैं, कोई बात नहीं, और कोई मेथड देख लेते हैं, आइए। तो हमने यहाँ पर देखा कि साइन इज -, 2 और 3 भी तो हो सकता है, अगर उन दोनों को हम यहाँ पर प्लस करके ले आए -5, तो हो सकता है -3 - 2, तो ये हो सकता है। तो y कॉमन लिया, y - 2, 3 कॉमन लिया, -3 कॉमन लिया यहाँ पर, तो y - 3, ये दोनों सेम है, तो हम लोग ने इसके दो फैक्टर निकाल लिए, ठीक है। बस हमें देखना है इस फैक्टर को कैसे भी करके, जब हम लोग यहाँ से ये पहला और ये मल्टीप्लाई करते हैं, इसको फैक्टर निकालते हैं, उसको कैसे भी करके हमें इसके बराबर लाना है -5 के, ठीक है, तभी हम लोग इवेल्युएट कर पाएंगे। ओके, चलिए आइए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। 2.4 क्या कह रहा है कि हमसे ये बोला है x + 1 इनके फैक्टर्स हैं कि नहीं, तो वही बात है x + 1, अभी हमने आपको बताया x + 1 को इक्वल टू जीरो करिए तो x की वैल्यू -1 आ गई, -1 इसमें रखिए, अगर ये जीरो आ जाता है तो ये इसका फैक्टर है, जैसे पहला वाला रखा फैक्टर था। दूसरे वाले में सेम ही चीज रखनी है, -1 इसमें रखिए, नहीं आ रहा है तो ये इसका फैक्टर नहीं है, इसमें भी नहीं आ रहा है इसका फैक्टर नहीं है, इसके भी नहीं आ रहा है इसका फैक्टर है। इसको आपको डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, आप -1 x की जगह रख दीजिए, अगर वो इक्वल टू जीरो हो रहा है
तो ठीक है, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू आ रही है तो इसका फैक्टर नहीं, जैसे यहाँ पर इक्वल टू जीरो हो रहा था ये, ठीक है, तो ये फैक्टर था इसका, ठीक है, ये वाला फैक्टर है, ये दोनों, ये तीनों सॉरी नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम पे। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि ये पॉलिनोमियल दिया है, हमें एक फैक्टर दिया है, हमें बताना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो बस इसको इक्वल टू जीरो करो, एक्स की वैल्यू -1 आ गई, -1 को इसकी एक्स की जगह पुट करो, इक्वल टू इसको जीरो कर दो, ठीक है। तो अब ये जीरो इक्वल टू जीरो आ गया, तो मतलब ये इसका फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम से हमने ये पता कर दिया कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ + x² - 2x - 1। ओके, अब इसके जो सेकेंड और थर्ड पार्ट है वो भी ऐसे ही करने हैं, आपको ये होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो उसका आंसर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। सिंपल सी बात है, इसमें के एक अननोन है, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था, x - 1 को इक्वल टू जीरो करो, x को वैल्यू 1 करो, अगर ये x की वैल्यू 1 है इसमें पुट कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, -2 इस केस में आ गई है, ठीक है, वेरी सिंपल। अब सेम ऐसे ही करना है, x की वैल्यू 1 इसमें भी करनी, क्योंकि कोई फैक्टर तो सेम है सब में, ठीक है, x की वैल्यू 1 इसमें भी रख दो, 2 × 1 + k + √2 = 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 + √2, ठीक है, तो ये हो गया। अब पी एक्स kx² - √2x + 1, ठीक है, तो x - 1 = 0, x = 1, तो इसमें 1 पुट करो, k की वैल्यू इसमें भी आ जाएगी वाली, √2 - 1, ठीक है। सिंपली आपको बस ये करना है, ये आपका होमवर्क है, अभी आप होमवर्क करके बताओगे, कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे, ठीक है। हम मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको ठीक समझा रहा हूँ और आपकी समझ में आ रही है बात, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 पे क्या है कि हमें फैक्टराइज करना है इसको, 12x² - 7x + 1, वही बताया था पहले, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, 12 आया, 12 के फैक्टर निकाले, 2, 2, 3, इसको हमें कुछ ऐसे इवेलुएट करना है कि ये इसके -7x के बराबर आ जाए, तो 2 × 2 = 4 होता है और 1 = 3, अगर हम इसको माइनस और माइनस से ऐड करेंगे, -4 - 3, तो ये क्या होगा, -7 होगा ना, तो कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा हमें, तो ठीक है आइए। तो 12x² - 4x - 3x, देखिए एक्स तो होगा तो इसके हाथ एक्स आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो एक्स आपको लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर x आ गया, तो -4x - 3x, इसमें आपने 4 और x कॉमन लिया, क्योंकि दोनों में 4 है x कॉमन है, तो 3x - 1, यहाँ पर 3x, यहाँ पर आपको कोई कॉमन नहीं, तो माइनस यहाँ पर है वही -1 कॉमन ले लेना है, तो 3x - 1, ये दोनों सेम आ गए, देखिए आप सही जा रहे हो, इससे पता चल जाता है कि ये दोनों फैक्टर सेम है तो आप मतलब सही जा रहे हो, तो ये आपके दो फैक्टर निकल आए, 4x - 1 ये रहा, 3x - 1 ये रहा, ठीक है, सिंपल। आइए दूसरे क्वेश्चन पे, 3 × 4 वही 12, 12 के फैक्टर, अब हमें क्या लाना है, -1 लाना है, मतलब -x - 1, तो 4 और 3 को माइनस करोगे तो +1 आएगा, ठीक है, अगर हम यही काम यहाँ कर दें कि यहाँ पर प्लस कर दें यहाँ माइनस कर दें तो ये -1 बन जाएगा, ठीक है, तो वही चीज़ है, -4x + 3x, ऐसे करके हमें माइनस लाना है, -4x + 3x, इसको आपने x कॉमन लिया, दोनों में x कॉमन है, तो 3x - 4, ठीक है, अब यहाँ पर 3x - 4 एज इट इज है, या तो 1 कॉमन लेना है, तो 3x - 1, ये दोनों सेम है, इसका मतलब आप सही जा रहे हो, 3x - 4 एक फैक्टर हो गया, तो x + 1 एक और फैक्टर हो गया। अगर आप बाई चांस कहते हो कि 3x अगर हम यहाँ लिख दें, 4x यहाँ, कोई बात नहीं लिख दीजिए, यहाँ 3x और ये 3x दोनों कॉमन है, तो x + 1 हो जाएगा, वही फैक्टर आपको घूम फिर के इस साइड आ जाएगा, ठीक है, सेम है। ये क्वेश्चन नंबर 5, क्यूब का फैक्टर निकालते हैं। देखिए क्यूब का फैक्टर बहुत बच्चों को दिक्कत करता है, उनको यही नहीं समझ आता क्यूब का फैक्टर कैसे, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ क्यूब रूट इक्वेशन, ओके सॉरी क्यूब इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले आप कुछ इक्वल टू इसको जीरो कर दो, सबसे पहला काम इक्वल टू जीरो कर दो इसको, ठीक है, फिर से बताता हूँ, पहला काम इक्वल टू आप इसको जीरो कर दो, ठीक है। अब ऐसा कोई भी नंबर रखो एक्स की जगह अपने दिमाग से सोच समझ के, जैसे हमने -1 रखा, -1³ -1,
माइनस वन का स्क्वायर वन होता है तो माइनस टू, एक्स गया प्लस वन प्लस टू, ठीक है। ये कट गया, ये वन वन कट गया, तो इतना इक्वल टू जीरो आ गया। तो मतलब एक्स की वैल्यू अगर हम माइनस वन रखेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा, तो फैक्टर हो जाएगा, तो इसको इधर ले आएंगे तो एक्स प्लस वन हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो इससे हमें क्या पता चल गया, एक्स प्लस वन एक फैक्टर है इसका, ठीक है। अगर हम मान लो एक्स की वैल्यू प्लस वन रखते तब भी इवेल्युएट हो रहा है, ठीक है, इवेल्युएट हो रहा है, प्लस वन रख के देखिए इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो मतलब एक्स इक्वल टू प्लस वन रखेंगे तो यहाँ घूम के माइनस वन आ जाएगा, तो ये भी इसका फैक्टर है। दो तो फैक्टर हमने ऐसे ही निकाल लिया, बचा क्या अब, कुछ नहीं, एक फैक्टर और निकालना है, क्योंकि क्यूब है तीन है तो तीन फैक्टर होने चाहिए। तो कोई भी आप इसमें से एक फैक्टर यूज कर लो, मैंने एक्स इक्वल टू वन यूज किया है, ठीक है, अपने दिमाग से। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें आप कोई भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री पहले आप रख के इसको सेटिस्फाई कराओ, ठीक है, उसको फिर लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो एक फैक्टर आपका बन जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस एक्स इक्वल टू वन रखा, हमारा इक्वल जीरो आ गया, तो एक्स माइनस वन एक फैक्टर हो गया। अब आगे इस फैक्टर को इससे डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने आपको बताया था बहुत अच्छे से। फिर इसको डिवाइड करोगे तो एक फैक्टर यहाँ, ये एक इक्वेशन बन के आएगी, ये तो पूरा हो जाएगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, ओके। तो एक इक्वेशन आपकी यहाँ पर आएगी, ये जो इक्वेशन आएगी इसको आप फैक्टराइज कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, वन और टू टू होते हैं तो टू को निकालेंगे, टू और वन होता है इसके फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स, तो इस माइनस वन लाने के लिए तो माइनस टू प्लस वन ही तो करना पड़ेगा, तो माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है। तो इसको आपने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये आपके दो फैक्टर आ गए, ठीक है, और एक साथ में फैक्टर क्या था, एक्स माइनस वन, वो भी जोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपके तीन फैक्टर निकल आए। सबसे पहले आपको बस उसी में दिमाग लगाना है, हिट एंड ट्रायल मेथड में पहले आपको कुछ ऐसा करना है कि ये इक्वल टू जीरो आ जाए, पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो बैठे, ठीक है, तब जाके ये इवेलुएट होगा। ये इक्वल टू जीरो करना है, माइनस वन और वन दोनों हो रहे थे, ठीक है, तभी तो यहाँ फैक्टर आया, माइनस वन का वन प्लस वन आ गया, माइन और वन का माइनस वन आ गया, ठीक है। आइए सेकेंड क्वेश्चन पे देख लेते हैं। इस पे आप अगर एक्स इक्वल टू वन रखिए, इक्वल टू जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमने रखा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, एक्स इक्वल टू माइनस वन रख के देखते हैं, ठीक है। अब माइनस वन रखा तो देखिए जीरो आ रहा था, तो जब एक्स इक्वल टू आपका माइनस वन है तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो मतलब ये इसका फैक्टर हमने निकाल लिया हिट एंड ट्रायल मेथड से, एक निकाल लिया। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको पता है कैसे करते हैं, यहाँ आपने क्वेश्चन जीरो हो गया, वो सॉरी रिमाइंडर जीरो हो गया, ये आपका जो फैक्टर आया है यहाँ पर एक्सप्रेशन आया है उसको आप फैक्टराइज कर लो। वन इंटू फाइव फाइव होता है, तो फाइव फाइव इंटू वन दो फैक्टर हुए, तो माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स, तभी तो माइनस फाइव एक्स प्लस वन एक्स, तभी तो माइनस फोर आएगा यहाँ पर। तो आपने इसको फैक्टर किया, ये फैक्टर, ये दो फैक्टर तो आ गए, एक साथ में कौन सा फैक्टर, एक ये फैक्टर, दोनों को मिला के आपने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो ये आपके क्यूब है, तीन फैक्टर निकल आए आपके। तो ये आपके बहुत बेसिक और वेरी इजी फॉर्मूला मेथड हमने आपको बताया है क्यूब का। बाकी बुकों में ऐसे ही प्लस माइनस प्लस टू आपको बहुत टाइम लग जाएगा देखने में, एग्जाम में आपको पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो आप इस फैक्टर को, फैक्टराइजेशन ऑफ मेथड को यूज कर सकते हो, मेरे मेथड को, कोई नहीं आपको गलत करेगा आपका क्वेश्चन सही होगा। और थर्ड एंड फोर्थ आप मुझे जल्दी से बताइएगा इसके फैक्टर लिख के कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कॉन्टेंट चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप विजिट करिए, उस पर सारे आपको कॉन्टेंट मिल जाएंगे, कॉन्टेंट सॉरी, ठीक है। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके, थैंक यू।